Good morning, dear student. I am Sharda Prasad, assistant professor from Mechanical Department, Bharti College of Engineering and Technology. आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है एनर्जी सिस्टम, B6 है मैकेनिकल. टॉपिक है फ्लैट प्लेट कलेक्टर. फ्लैट प्लेट कलेक्टर एज द नेम ऑफ एमपीट इज सोलार एयर हीटर. इट इज यूज टू हीट एयर विद द हेल्प ऑफ सोलार एनर्जी. इसमें क्या होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में एक बॉक्स होता है जिसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे ये काम करता है. फ्लैट प्लेट कलेक्टर कैसे काम करता है, इसके पहले पार्ट्स को हम पहले देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं. सबसे पहले ये हमारा एक बॉक्स है. बॉक्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ग्लास कवर यूज करते हैं. ग्लास कवर है, ग्लास कवर के कुछ डिस्टेंस में हम लोग एब्जॉर्बर प्लेट लगाते हैं. क्या लगाते हैं, एब्जॉर्बर प्लेट होता है जनरली ब्लैक का रहता है. उसी से कनेक्टेड क्या होता है, पिंस होता है. उससे क्या कनेक्टेड होता है, पिंस होता है. पिंस उसके बाद हमारा क्या होता है, ये इंसुलेशन होता है और ये हमारा केसिंग होता है. ये डायरेक्शन सोलार रेडिएशन डायरेक्ट है डिफ्यूज होना. जो रेडिएशन होगा वो कैसे होगा, डायरेक्ट है डिफ्यूज होगा. अब इसका एक एक पार्ट्स को देखते जाते हैं. ग्लास कवर है, इसके बाद ये फिन एब्जॉर्बर है. यदि ग्लास कवर में आता है हीट को अंदर जो अपना सेम रेडिएशन होगा वो उसमें क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, डिफ्लेक्ट होगा और अंदर चलाएगा. फिर इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्बर प्लेट क्या होता है, हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है. हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा जितना हमारा हीट इसके अंदर आएगा रेडिएशन. उसके बाद रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा. उसके बाद इसमें क्या होता है, फिन्स. जो फिन्स होता है वो हीटिंग सरफेस एरिया को क्या करता है, बढ़ाता है. हीटिंग सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या फायदा है, इससे क्या होता है, जितना हीटिंग सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो गर्म होगा और उतना ही कॉन्टैक्ट में होगा, सरफेस कॉन्टैक्ट होगा. इंसुलेशन का काम क्या होता है, जो जितना भी हमारा हीट है इस बॉक्स के अंदर उसको बाहर जाने से वो रोकता है. इंसुलेशन का काम इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग मैकेनिज्म पहले देखते हैं. जब सोलार रेडिएशन यानी हमारा जब डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेस जब इस पे स्ट्राइक करता है तब क्या होता है, ग्लास कवर पे स्ट्राइक करेगा. ग्लास कवर पे स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होता है, एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर आता है. यदि हम ग्लास कवर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो अंदर का हीट होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और हमको जो हीट चाहिए रहेगी वो हीट यहाँ पे नहीं मिल पाएगी. तो इसलिए ग्लास कवर का यूज करते हैं. तो ये क्या होता है, ग्लास कवर से स्ट्राइक करके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर किसमें आता है, अंदर आता है एब्जॉर्बर प्लेट. तो एब्जॉर्बर प्लेट क्या करता है, उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. और यहाँ पे क्या होता है, हमारे बफेस टाइप के एयर पाथ होते हैं. कैसे होते हैं, बफेस टाइप के एयर पाथ होते हैं, आगे हम देखेंगे. उससे क्या होता है, एयर का पासिंग होते रहते हैं और जो सरफेस एयर कांटेक्ट में आता है वो क्या होता है, गर्म होते जाते हैं. जिसमें क्या होता है, एयर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिन्स रहते हैं और एयर को गर्म करते हैं और इंसुलेशन जो रहता है वो हीट को क्या करने के लिए बाहर जाने से रोकता है. कैसे काम करता है देखते हैं. यह हमारा जिग जैग एयर फ्लो पाथ है फ्लैट प्लेट कलेक्टर में. अब क्या होगा, ये जो हमारा एक पाथ है ये बफेल से क्या है, बफेल ये जो ये बफेल से, ये भी बफेल से और ये भी क्या है, बफेल से, ये भी बफेल से. अब क्या होता है, एयर का फ्लो इसमें होगा ऐसे जाएगा और हमारा जो सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है, जो एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर से कनेक्टेड क्या हमारा फिन्स है और ये अंदर क्या होगा, एक पाथ होगा. ये किसका पाथ होगा, एयर फ्लो का पाथ होगा. तो जो पार्ट इससे कॉन्टेक्ट में होगा तो एब्जॉर्बर क्या होगा, अपना हीट किसको देगा, इसको देगा और ये कहाँ के अंदर की जो हीट, अंदर का जो एयर होगा वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगा. गर्म होगी इस डायरेक्शन में जाएगी, फ्लो इस पाथ को लेते हुए क्या करेगा, यहाँ से एयर क्या करेगा, यहाँ से इन करेगा और यहाँ से क्या करेगा, एयर को
बाहर निकालना। तो इस तरह से ये फ्लैट प्लेट एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर काम करता है, इसी को क्या बोलते हैं सोलार एयर कलेक्टर भी बोला जाता है। अब आगे चलते हैं इसके टाइप्स। बेसिकली एयर हीटर आर क्लासिफाइड, फर्स्ट है नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट टाइप कलेक्टर, सेकंड है कलेक्टर्स विद पोरस एब्जॉर्बर प्लेट। ये दो टाइप के कलेक्टर हम यूज करते हैं। अब इसमें आते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब इसकी क्या है, दीज आर वेरी इन हैवी वेट, ये क्या होता है बहुत हैवी वेट में होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। सेकंड है दिस आर सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये सुटेबल किसके लिए होता है, लो टेम्परेचर डिग्री लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए, वो भी कब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए, लाइक वाटर एंड स्पेस हीटिंग, पानी को गर्म करने के लिए या स्पेस कहीं जगह को गर्म हीटिंग करने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं पहला दे वर्क विद नो मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस करने में बहुत कम खर्चे आते हैं। सेकंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसको सन के डायरेक्शन में इसको घुमाने की जरूरत नहीं होती, कि सन यदि मूव कर रहा है तो उसको भी उसको उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दे आर बोथ बीम एंड डिफ्यूज रेडियस, दे यूज बोथ बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन, ये क्या होता है डायरेक्ट और बीम रेडिएशन दोनों को यूज करता है। चौथा है दे आर मैकेनिकली सिंपल, और ये बहुत सिंपल वर्क मैकेनिकल में सिंपल बहुत सिंपल वर्क में काम आता है, ये मेन है इसका वर्क। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इसके पहले क्या था एयर फ्लैट प्लेट कलेक्टर था, लेकिन वो एयर से रिलेटेड था, अब ये है लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, हीट इज ट्रांसफर्ड टू लिक्विड इन ट्यूब्स मेनली बाय कंडक्शन फ्रॉम एब्जॉर्बर प्लेट इज नीड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज नोन एज लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। इसमें क्या होता है जब सन रेडिएशन होती है तो सन रेडिएशन क्या होता है एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको क्या होगा थर्मल जो कंडक्टिविटी या थर्मल जो हीट होता है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब कैसे करेगा इस डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है इस ये भी एक बॉक्स पुरानी तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है जो पाथ में हो एयर फ्लो करता है बस उसी पाथ में ही क्या करता है लिक्विड फ्लो करता है, और यहाँ पे जो बफेस होते हैं यहाँ पे बफेस नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं ट्यूब्स होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है इसमें एक ट्रांसपेरेंट कवर होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होगा ये क्या आपका है ट्रांसपेरेंट कवर, ऊपर से आ रहा है आपका सोलार रेडिएशन डायरेक्ट है डिफ्यूज, बीच में गैप, फिर ये आपका क्या है एब्जॉर्बर प्लेट है, ये आपका क्या है एब्जॉर्बर प्लेट है, एब्जॉर्बर प्लेट से जस्ट कनेक्टेड है टच है कॉन्टेक्ट में है हीट ट्रांसफर फ्रॉम ट्यूब, ये आपके ट्यूब्स है और ये इंसुलेशन है जो हीट को बाहर जाने से रोकता है और ये आपका केसिंग है। तो इस तरीके से ये लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर का डायग्राम है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या होगा जब सन रेडिएशन डायरेक्ट एंड डिफ्यूज जब इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट कवर को क्रॉस करते हुए किसमें आएंगे एब्जॉर्बर प्लेट में, बीच का गैप इसलिए रखते हैं पुराने पिछले बार हमने देखा था कि यदि गैप नहीं रखेंगे तो जो अंदर का एयर होगा या हीट होगा वो क्या होगा एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा और बाहर निकल जाएगा। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले क्या होगा एब्जॉर्बर प्लेट क्या करेगा उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा उससे जस्ट कनेक्टेड है, यदि एब्जॉर्बर प्लेट ऊपर है तो जस्ट उसके टच में है क्या आपका ये पाइप है जो ट्यूब्स है एब्जॉर्बर प्लेट। अब क्या होगा एब्जॉर्बर प्लेट क्या करेगा जितना हीट है रेडिएशन है उसको क्या करेगा कलेक्ट करेगा एब्जॉर्ब करेगा और उसको क्या करेगा जो अंदर के अंदर जिसके ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड या फ्लूइड जो बह रही है
वो फ्लूड क्या करेगी, उसको हीट के रूप में एब्जॉर्ब करेगी और उससे क्या होगा, हमारा क्या होगा, जो फ्लूड है वो गर्म हो जाएगा उसको हीट मिलने से। अब क्या है, इंसुलेशन करते हैं, इंसुलेशन इसलिए करते हैं जो हीट इसने एब्जॉर्ब की है ट्यूब में वो कहीं बाहर निकल जाएगा तो फिर से वो अपने ओरिजिनल टेम्परेचर में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए इंसुलेशन करते हैं कि बाहर की अपने हीट को ना पहुंचे। अब काम कैसे करता है यहाँ देखते हैं, फ्लूड क्या होता है, यहाँ से इन करता है, ये इसका पाथ है, ये फ्लो करेगा और इससे क्या होगा बाहर निकलेगा। वेन क्या होता है, हीट रेडिएशन हुआ, हीट रेडिएशन के बाद क्या होगा, ये एब्जॉर्बर क्या करेगा, ये प्लेट क्या करेगा, एब्जॉर्बर प्लेट हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन और हीट में कन्वर्ट करके ये ट्यूब्स को प्रोवाइड देगा और ट्यूब्स कलेक्ट करेंगे हीट को और अपना हीट किसको देगा, ट्यूब वाटर को देगा, लिक्विड को देगा, वो गर्म होगा। तो ये किस तरीके से ये काम करता है। अब आगे देखते हैं लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के एडवांटेजेस, लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर के एडवांटेजेस है ओरिएंटेशन टू वर्ड्स द सन नॉट रिक्वायर्ड। आप यानी ओरिएंटेशन की आवश्यकता इसमें जरूरत नहीं पड़ती कि सन जिस जैसे मूव करेगा आपको जो लिक्विड फ्लैट कलेक्टर है उसको भी आपको मूव करना पड़ेगा सन के डायरेक्शन में। दे आर मैकेनिकली सिंपल, ये बहुत सिंपल वर्क यानी मैकेनिकल सिंपल वर्क में काम करता है और ये लो मेंटेनेंस है, इसमें क्या होता है मेंटेनेंस बहुत कम जरूरत पड़ती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर, पहला है दिस टाइप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर एब्जॉर्ब बोथ टाइप्स ऑफ रेडिएशन बीम एंड डिफ्यूज, ये दोनों टाइप के रेडिएशन जैसे बीम और डिफ्यूज रेडिएशन पे दोनों पे काम करता है और इट इज वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। थैंक यू।